Hi guys, welcome back to my channel. I am going home tomorrow, so I am super excited. I have been homesick for the longest time that I can remember. क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि मैं अपने घर वालों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाती, कुछ ना कुछ चला हुआ होता था, मॉल घर चला गया, उसके बाद मैं अकेली यहाँ पे रह गई, तो मैं और ज्यादा होमसिक फील करती. पापा का बर्थडे था, दैट आई मिस. फाइनली आई एम गोइंग होम टुमारो. था कि मैं मॉल के साथ ही जाऊँ, बट मेरा एक ब्रांड शूट था जो मुझे करना था और मैंने सोचा था उसके बाद मैं जाऊंगी. बट द फैक्ट इज कि मेरे को अभी तक उनका कोई रिवॉर्ड ही नहीं आया है. अपने वो प्रोडक्ट्स अपने साथ ले जाऊंगी, अब गाँव में ही शूट करूंगी अपने फोन से. बट इट्स ओके, पार्सल आया है तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ खोल देती हूँ. बहुत ज्यादा स्किन केयर तो नहीं बोल रही, एक्चुअली सनस्क्रीन हॉलिक बन चुकी. मेरे को कहीं पे भी ऐसी एड दिख जाती है ना इंस्टाग्राम पे, 3 for 999 सेल चली है, सब मैं खरीद लेती हूँ. मैं सोचती हूँ कि सनस्क्रीन का 50 ग्राम की बॉटल आती है, इतनी सी होती है, खत्म ही हो जाती है, इसलिए फिर मैं खरीदती रहती हूँ. आई हैव ट्राइड लाइक अ लॉट ऑफ स्टफ. आज आई शुड मेक अ वीडियो फॉर यू, अनस्पॉन्सर्ड स्किन केयर प्रोडक्ट. सो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट उसमें नहीं होगा बिकॉज आई हैवंट ट्राइड इट यट गाइस. सो मैं अभी भी नहाकर आई हूँ, मेरे बाल आधे गीले आधे सूख गए और तुम लोग को दिख रहा होगा मैं काफी लेट हो गई हूँ. जिसमें तुम्हें बताया मैं कल घर जा रही हूँ, तो आई वाज लाइक सुपर एक्साइटेड. यूजुअली गो इन लाइक ब्लाबला, तुम्हें पता है ना ब्लाबला क्या होता है, वो जो लोग जा रहे होते हैं फिर एक ब्लाबला करके ऐप है और उसमें वो डाल देते हैं पैसेंजर्स जा रहे हैं, बिकॉज इट्स सस्ता एंड नाइस ऑल्सो, इट्स अ कार, लाइक तुम्हें बस वस में नहीं जाना पड़ता. मैंने फिर सोचा कि शिट मैं तो तुम्हारी स्किन केयर वाली वो अनस्पॉन्सर्ड वीडियो बनाना भूल गई हूँ. सो आई एम हियर टू शेयर विद यू ऑल माई अनस्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स दैट आई यूज. दीज आर बेसिकली प्रोडक्ट्स दैट आई एक्चुअली यूज एंड आई लाइक. हो सकता है इससे ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे, पर मेरे को क्या अच्छा लगता है और मेरी स्किन को क्या सूट कर रहा है. मैंने कंघी भी नहीं किया ना. शुड वी स्टार्ट विद, I think we should start with serums. Then we will go to moisturizers and then sunscreen. मैं AM में लगाती हूँ विटामिन सी और PM में लगाती हूँ मैं रेटिनॉल. पर रिसेंटली आई हैव शिफ्टेड टू ट्रेटिनोइन विच इज लाइक अ बिगर लाइक अ ग्रेटर वर्जन ऑफ रेटिनॉल. स्पेशली फॉर लाइक एंटी एजिंग के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है. बेसिकली जो भी रेटिनॉल करता है उसका एक सुपीरियर वर्जन. I am not somebody who knows a lot about skincare. I am learning. So let's get started. When we talk about serums, AM mein I use a vitamin C serum. I use plum ka serum. Mere nail paint lagi hai is pe kyunki main usko hamesha saath le jaati hu. इतना बचा ही है जो काफी लोगों ने बोला है कि मुझे फर्क पड़ा है. और ये मैंने अपनी जो खाने बनाने वाली दीदी है कुसुम दीदी, मैंने उनको भी, उन्होंने बोला दीदी मुझे बहुत छाइयां पड़ रही है मैं क्या करूँ, लाइक आई हैव ए सोल्यूशन फॉर यू. तो मैंने उनको भी एक खरीद के दिया. इनफैक्ट वो बोल रहे थे उनका खत्म होने वाला है तो मेरे को एक और ऑर्डर कर देना. सो या ये भी प्लम से है, दिस हाइलुरोनिक एसिड, इतना सा बचा है. ओके कभी व्हाट आई डू इज लाइक अगर मैं मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ उसमें हाइलुरोनिक एसिड नहीं है, सो व्हाट आई डू इज लाइक टेक अ मॉइस्चराइजर और उसमें एक बूंद ये एक ये हाइलुरोनिक एसिड का डाल देती हूँ मैं. Keeps your skin hydrated. I love to keep my skin hydrated. It's so important to be hydrated. Like drink a lot of water and also hydration for your skin. It's a little chip, you know. Retinol. तो मैं मिनिमलिस्ट का रेटिनॉल यूज कर सकती हूँ, तुम लोग ऑर्डिनरी का भी यूज कर सकते हो. उसका ऑर्डिनरी के साइड प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, बट आई फील जो ऑर्डिनरी महंगा मिलता है बस ये उसका सस्ता वर्जन है, बट आई फील दैट्स प्रीटी नाइस. व्हाट आई डू इज आई जस्ट टेक लाइक 1, 2, 3 ड्रॉप्स ऑन माय पाम एंड देन आई लाइक अप्लाई इट ऑन माय एंटायर फेस ऐसे एंड देन आई जस्ट पैट. ठीक है, आई थिंक इट्स प्रीटी डिसेंट एंड आई रियली लाइक इट. एंड नाउ आई हैव जस्ट डिसाइडेड टू शिफ्ट टू ट्रेटिनॉइन. सो दिस वन ट्रेटिनॉइन क्रीम जैसे आती है एंड आई यूज इट लाइक 0.05%. कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, बट द थिंग इज कि अगर तुम्हें ये स्टार्ट करनी है तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसका एक पी साइज लेना होगा. दैट इज इट गाइज, इससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए. मैंने ऑलरेडी ये लगा दिया है तो आई एम नॉट गोना अप्लाई इट. मैं क्या करती हूँ ऐसे लेती हूँ और पूरे इस पर डॉट 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 लगाती हूँ. मैं डॉट और उसे लगाती हूँ, मुझे लगता है पूरा फेस कवर हो जाता है. एंड देन यू क्या बोलते हैं मल लेना, मलना ही बोलते हैं ना. अगर तुम्हें ये स्टार्ट करना है, आई स्टार्टेड विद रेटिनॉल ताकि मेरी स्किन को थोड़ी आदत पड़ जाए. अभी आई यूज लाइक 3 days a week, एक दिन छोड़ के एक दिन किया, फिर कभी बीच में 2 दिन छोड़ दिए, और उसके बाद धीरे 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 यू कैन यूज इट डेली. काफी लोगों को इरिटेट भी कर सकती है, सो थोड़ी कम क्वांटिटी में यूज करना फिर अगर तुम्हें इरिटेट कर रही है और छोड़ देना, पर धीरे धीरे यूज कर सकते हो और ये सिर्फ रात को यूज करना है. वन मोर प्रोडक्ट दैट आई लव 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 इज, जिसके मैंने बहुत सारे रिव्यूज पढ़े थे, ये था केमिस्ट एट प्ले का. ये दिस इज लाइक अ रोल ऑन फॉर योर अंडर आर्म, सो आई हैव लाइक इन 2 फ्रेग्रेंस. एक मैंने अक्ष के लिए लिया था पीच, बिकॉज इट्स लाइक वो गर्ली. अक्ष के लिए मैंने लिया एक्वा बिकॉज इसका थोड़ा ज्यादा, देखो लड़को अगर तुम्हें लेना है तुम अपने लिए एक्वा लेना क्योंकि इसका थोड़ा सा
मैस्कुलिन सी फ्रेग्रेंस है और पीच की थोड़ी ज्यादा अच्छी लड़कियों वाली साइड की है. इट्स अ रोल ऑन लाइक अ नॉर्मल रोल ऑन. सो इसमें 5% AHA है. इसको खरीदा था तो इसमें ना ये भी लिखा था कि इट इज़ फॉर कि आपके जो डार्क अंडर आर्म्स किसी के होते हैं तो उसके लिए वो कर लेता है. मैंने बहुत लोगों के रिव्यूज़ पढ़े थे कि उनके डार्क अंडर आर्म्स इससे ठीक हुए थे, बट उसके ऊपर आई कांट कॉमेंट क्योंकि क्या था कि मैं इसको डेली यूज नहीं करती. आई यूजली यूज इट लाइक वन आई एम वेयरिंग समथिंग स्लीवलेस. फिर भी आई थिंक वीक में मैं 3 बार तो उसको यूज कर ही लेती हूँ, पर आप उसको रोज यूज कर सकते हो. एंड इट्स मतलब ये मैंने ट्राई किया है, पर एक्चुअली इफ यू पुट इट तो तुम्हें कोई भी तुम्हारी ऑर्डर नहीं आएगी. आई एम श्योर इट्स गोना वर्क, लाइक इट हैज AHA सो इट्स लाइक गुड फॉर दैट. कमिंग टू वन मोर सीरम दैट आई यूज इज दिस वन, डर्माकोका 5% कैफीन अंडर आई सीरम. जिसे बोलते हैं जिनकी संकन आईज होती है. संकन आईज का मतलब होता है जिसे जैसे मेरी भी थोड़ी संकन आईज है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि स्पेक्स पहनती हूँ उसकी वजह से. ये मतलब देख रहे हो थोड़ा सा अंदर है. कुछ लोगों के पफी आईज होती हैं और डार्क सर्कल्स होते हैं. मेरे ना डार्क नहीं है एरिया, ना मेरी इधर से स्वेल होती है आईज, मेरी संकन आईज है. थोड़ी अंदर को एक लाइन होती है और अंदर को आंख होती है वैसे. दैट इज लाइक बेसिकली संकन आईज. इसके लिए बोलते हैं कैफीन इज रियली ग्रेट फॉर संकन आईज. वैसे तो तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगाने पड़ते, बट पर कैफीन इज गुड फॉर संकन आईज. दिस इज द वन दैट आई एम यूजिंग. आई रियली लाइक इट. Oh my god, I'm so late. It's almost 10. I have to pack my shit. Well, like pack my stuff also. Lip balm. Do you want lip balm? This is the lip balm that I use. This is from Dot & Key. मेरको ये क्यों पसंद है? First of all, ये tinted है. Strawberry crush. So it's like little red. So I really like it. मतलब अगर तो मेरे lipstick नहीं लगानी, सिर्फ lip balm लगाना है तो थोड़ा वैसे cute है. And the best part is it has SPF 30. I am in love with SPF. मैं सनस्क्रीन खरीदती रहती हूँ तो आई हैव अ लॉट ऑफ सनस्क्रीन दैट आई एम गोना शो यू. क्लेंजर्स तो भूल ही गई हूँ. अच्छा पहले मैं क्लेंजर्स बताती हूँ. हमेशा अपना फेस एक जेंटल क्लेंजर से धोना चाहिए. दिस इज लाइक द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप. मैं मतलब ऐसे फेस वॉश इतना परवाह नहीं मारती थी, बट नाउ आई हैव एक्चुअली शिफ्टेड टू लाइक जेंटल क्लेंजर्स. एंड क्योंकि तुम्हें अगर 2 बार अपना मुंह धोना है तो वो तुम्हारी जो स्किन है उसे स्ट्रिप नहीं करेगी. सो द बेस्ट इज सेटाफिल. व्हेन आई शिफ्टेड टू सेटाफिल तो मुझे ना ऐसा लगता था इसमें ऐसे फोम नहीं बनती है, और हमें बचपन से ऐसे आदत होती है ऐसे फेस वॉश से मुंह धोने की जिससे फोम बनती है, और ऐसे तो मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं है, आदत हो जाती है. सो 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 गुड. एंड द सेकेंड क्लेंजर दैट आई यूज इज सेराफी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक अगर वैसे सेराफी तुम्हें मिल जाएगा, इट्स ऑन अ लिटल एक्सपेंसिव साइड आई गेस. आई थिंक ये तुम्हें उस पर मिल जाएगा अमेजोन पे. बट ऑब्वियसली इफ यू डोंट वांट टू टेक सेराफी यू कैन जस्ट टेक दिस. हमने ये एक्चुअली जब हम दुबई गए थे तब वहां से लाया था, बट अमेजोन पे मिल जाता है. मेरे को कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों ही अच्छे. इट हैज लाइक एसेंशियल सेरामाइड्स, हाइलोरोनिक एसिड, लव इट. इसके साथ ही आई ऑल्सो यूज सेराफी का ही मॉइस्चराइजर, बिकॉज हमने ये साथ में लिया था तो लाइक बड़ी बॉटल्स भी थी. यू डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच मनी एंड यू डोंट वांट टू गेट दिस वन. यू कैन डेफिनेटली ऑलवेज गेट. I forgot my Cetaphil का क्रीम, I can't find it, but मेरे पास Cetaphil का मॉइस्चराइजर भी है, so you can use Cetaphil का मॉइस्चराइजर. It's a very very good moisturizer. इसमें hyaluronic acid भी है, so a lot of hydration. There's also one more moisturizer that I really like. Simple का moisturizer also I really like. It does the work. It's nice. It's not sticky at all. Like basically I don't like moisturizers जो बहुत ज्यादा sticky होते हैं. सुपर सुपर गुड. टाइट फील हो, बिल्कुल भी ज्यादा ऐसे चिपचिपे और हैवी ना फील हो. सो आई रियली लाइक दिस मॉइस्चराइजर. डॉक्टर शेड्स का मैंने विटामिन ई एंड क्लेंजिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी मंगाया है. इट्स अ गुड मॉइस्चराइजर. इट मॉइस्चराइजेस अ लॉट. थिंक दिस इज गुड फॉर विंटर्स, बिकॉज ऐसे मैं विंटर्स में इसको यूज करूंगी तो काफी ऐसे फेस में यू नीड मोर हाइड्रेशन. एक दिन तो मुझे ना बहुत ही हैवी फील हुआ, एंड स्पेशली इट इज लाइक रियली रियली हॉट. रियली लाइक दिस वन, सो आई एम गोना टेक दिस होम शिमला, क्योंकि वहां पे ठंड है तो मे बी उसके वहां पे अच्छा लगे. इट्स अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर, सो यू कैन ट्राई दिस आउट एज वेल इफ यू वॉन्ट. नाउ कमिंग टू द मेन थिंग, सनस्क्रीन. आई हैव अ लॉट ऑफ सनस्क्रीन, लाइक आई लव सनस्क्रीन. सनस्क्रीन इसमें लव वाली है, पर पहले आई विल स्टार्ट विद डॉक्टर शेड्स. मैंने ये उसने लिया बिकॉज इसमें हाइलोरोनिक एसिड है, वेरी हाइड्रेटिंग. इसका भी सेम सीन है, इट्स अ वेरी गुड सनस्क्रीन. मैंने एक्चुअली इसकी वीडियो देखी थी जिसमें बहुत सारे सनस्क्रीन थे और उनको ऐसे पेपर पे रखा हुआ था, धूप में उनको एक्सपोजर में रखा और बताया कि कौन से सनस्क्रीन सबसे अच्छे और लॉन्ग लास्टिंग थे. डॉक्टर शेड्स का सबसे ज्यादा आया था कि है. इट्स अ नाइस सनस्क्रीन, लव इट. एज कम्पेयर टू द अदर सनस्क्रीन आई स्टिल फील इट्स अ लिटल टू हैवी फॉर मी. इट लीव्स लाइक नो व्हाइट कास्ट एट ऑल. कैन यू सी, कैन गेट दिस इफ यू वॉन्ट फ्रॉम डर्माको. दिस इज
वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट तुम लोगों ने बहुत बार सुना होगा, हाइलुरोनिक इनविजिबल सनस्क्रीन जेल। इसका एक दूसरा वाला भी आता है विच इज लाइक जो नॉर्मल वाला है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। इट्स अ वेरी वेरी नाइस सनस्क्रीन, लगता है जैसे कि मैंने प्राइमर लगा दिया है। वेरी गुड, लव इट, लाइक अमेजिंग सनस्क्रीन। माय फेवरेट सनस्क्रीन इस एक्वालॉजिका का सनस्क्रीन। मैंने इसकी एक और बॉटल ले लिया क्योंकि ये खत्म हो चुका है। हमेशा याद रखना अगर तुम्हें सनस्क्रीन लेना है तो सनस्क्रीन में PA++ देख लेना, ठीक है। व्हाइट कास्ट तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है इसमें। डजंट फील स्टिकी एट ऑल और फेस पे तो इतना ज्यादा लाइट फील होता है, रियली रियली मतलब ऐसा लगता ही नहीं तुमने सनस्क्रीन लगाई है। दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि प्रोटेक्शन वाइज आई एम श्योर कि डॉक्टर शेड्स का थोड़ा सा ज्यादा होगा इससे, जो मैंने वीडियो देखी थी उसके अकॉर्डिंग। इसका ही मैंने एक्वालॉजिका का विटामिन सी वाला भी लिया है जो कि अभी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। क्या है कि मुझे लगता है जिस चीज में भी विटामिन सी होता है ना थोड़ा सा ज्यादा थिक होता है, लाइक वो थोड़ा ज्यादा पतला और डूई है, थोड़ा सा थिक होता है, मतलब इसमें विटामिन सी है तो इट्स गुड फॉर योर ग्लो। एंड इसके लिए तो इसमें लिखा भी है इंस्टेंट ग्लो ओ प्लस डूई सनस्क्रीन। मैंने सुबह सुबह ही लिया है तो आई एम गोना ट्राई इट, बट ऐसा लग तो मुझे अच्छा रहे। मैंने सारे सनस्क्रीन दिखाए वो सारे SPF 50 थे। दीज स्टिक सनस्क्रीन, यू कैन रीअप्लाई दीज सनस्क्रीन जैसे बाद में मेकअप के ऊपर। सो आई गॉट दीज स्टिक्स, हेयर ट्रू हैबिट, आई हैव नेवर यूज्ड इट दो, दिस इज हाउ दे लुक। तो दिस इज जस्ट फॉर लाइक रीअप्लाइंग। ओह शिट, नो आई डोंट वांट टू अप्लाई इट। स्वेट रेजिस्टेंट अप टू 80 मिनट्स, सो ट्रू। का वाला सिर्फ SPF 50 है और ये है SPF 50 PA++, सो दिस इज लाइक सो मच बेटर देन दिस वन। बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं है इसमें और पता भी नहीं चल रहा है कि सनस्क्रीन यूज कर रहा है। मेरे को ये थोड़ा इतना प्रैक्टिकल नहीं लगता क्योंकि तुम अप्लाई करते हो पर इसमें मेकअप लग ही जाता है तुम्हारा। स्टिल आई वॉज लाइक कि कुछ तो चाहिए ही था तो आई गॉट दिस वन। सॉरी गाइज, आई स्टिल हैव पेन। आई थिंक दीज आर ऑल माई रिकमेंडेशन फॉर यू गाइज। दिस इज अनस्पॉन्सर्ड, सो लाइक एनीथिंग दैट यू लाइक, गो फॉर इट। आई होप इट रियली हेल्प्स। पूछ रहे थे मुझसे आप कौन सा सनस्क्रीन यूज करते हो, मॉइस्चराइजर यूज करते हो, एवरीथिंग। जस्ट टेक केयर ऑफ योर स्किन। 1 बज गया, आई एम सुपर 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 टायर्ड। तो मैं सोच रही हूँ, मेरी 9 बजे की कैब है तो मैं सोच रही हूँ कि अभी सो जाती हूँ और सुबह सुबह अपना मेकअप वगैरह सब कुछ पैक करूँगी। एंड आई एम सुपर एक्सॉस्टेड, बट आई थिंक दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चंस हो रिलेटेड स्किन केयर प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी मैंने डाला सब कुछ, तो मुझे कमेंट्स में बता देना एंड आई विल आंसर यू गाइस देयर। लव यू।